स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके साथ सिमरन एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे 9 फिल्में करके फ्लॉप हुई राजेश खन्ना की छोटी बेटी की फिल्म, अब कैसे है उनकी लाइफ तो बताते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में देखिए, हर रोज एक सेलेब्स का बच्चा आगे आता है, उसे लेकर सुर्खियों में वो बनता है, फिर थोड़े दिन बाद वो खबर जो है ठंडी हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ सपना सच होता है, कुछ का अधूरा रह जाता है। हम आपको बताते हैं कि राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की छोटी बेटी जो है, उनका जन्म 1999 में हुआ था। प्यार में कभी कभी से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। दमदार डेब्यू करने के बाद वो इंडस्ट्री से दूर हो गई। 9 फिल्में करके गायब हुई हैं रिंकी। तो राजेश की और डिम्पल की जो बेटी का नाम है रिंकी है, उन्होंने 9 फिल्में किया, उसके बाद वो इंडस्ट्री से बाहर हो गई। हालांकि उन्होंने इंडस्ट्री ही छोड़ दिया, ऐसा आप मानिए। तो ऐसे में तमाम सवाल होने लगा कि जब डिम्पल इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो गया और अभी भी वो काम कर रही हैं, वही राजेश खन्ना जो हैं वो इतने बड़े अनुभवी एक्टर हैं, तो उनकी बेटी ने 9 फिल्में करके क्यों इंडस्ट्री से दूर हो गए। तो राजेश खन्ना और डिम्पल दोनों ही इंडस्ट्री में देखिए अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। डिम्पल आज भी सिनेमा में एक्टिव दिखती हैं, वो प्रोजेक्ट्स में काम करती हैं। डिम्पल की तरह उनकी छोटी बेटी रिंकी भी कमाल करने की उम्मीद की जा रही थी, पर ऐसा नहीं हुआ। प्यार में कभी कभी से डेब्यू करने वाली रिंकी ने अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने 9 मूवीज़ किए हैं, या यूँ कह सकते हैं 5 साल में रिंकी ने 9 बार पर्दे पर वो चमकी हैं। हर बार वो दर्शकों को सिनेमा हॉल में खींचने में नाकाब साबित हुई हैं, नायाब भी देखिए उनको कह सकते हैं, नाकाम भी साबित हुई हैं, क्योंकि कुछ फिल्में उनकी हिट गई, कुछ नहीं गई हैं। वहीं आखिर 2004 में चमेली में वो नज़र आई थी, और उसके बाद वो एक दो फिल्में उन्होंने किया, उसके बाद वो इंडस्ट्री से दूर हो गए।